नमस्कार, मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं श्री नाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम लोग कुंडली विश्लेषण करने वाले हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के बारे में। हमारे काफी सारे व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के ऊपर आप एनालिसिस करिए, तो आज हम लोग श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार वो देश के प्रधानमंत्री 10 साल से बने हुए हैं तो कौन कौन से उनके कुंडली के अंदर राजयोग हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स उनकी कुंडली के अंदर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ में एक बहुत ही विशेष प्रश्न जो हर किसी के दिमाग में इस समय चलता है कि क्या 2024 में श्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसी के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि 2024 में उनके कैसे योग रहेंगे और क्या प्राइम मिनिस्टर वो आगे बन पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए और लेकर आ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जो नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और इनका जन्म का समय था 11:20 सुबह के। और ये पैदा हुए थे मेहसाणा गुजरात के अंदर। तो ये मेहसाणा गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को। अब आप कुंडली भी इनके सामने देख सकते हैं, आपको सामने कुंडली भी इनकी दिखाई दे रही होगी। तो देखिए जो इनकी कुंडली है, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, तो यहाँ पर मंगल लग्न में बैठे हुए हैं और इनका जो लग्न बनता है वो वृश्चिक लग्न बनता है, यानी कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। अब स्कॉर्पियो साइन के जो रूलर होते हैं, स्कॉर्पियो साइन के जो स्वामी होते हैं, वो खुद मंगल ही होते हैं। तो मंगल खुद अपने घर में वो भी लग्न के अंदर बैठे हुए हैं, तो इससे मंगल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं क्योंकि वो अपने खुद के घर में बैठे हुए हैं। अब देखिए जब मंगल शक्तिशाली होते हैं किसी इंसान की कुंडली में, तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, उसके अंदर काम को करने की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो कभी थकता नहीं है, बहुत ही ज्यादा वो बेफिक्र होकर काम करता है। कहीं ना कहीं जो ऐसा इंसान होता है वो फियरलेस होता है, उसे किसी भी चीज का डर नहीं होता, वो डिसीजन लेने में बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और वो जो डिसीजन लेता है उन डिसीजन के ऊपर वो अटल रहता है। डिसीजन उसने ले लिए तो ऐसा नहीं कि उसके बाद बार बार सोच रहा है, एक बार जो उसने डिसीजन ले लिया फिर उसको वो 100% पूरा करता है। और चाहे कितने भी कठिन से कठिन डिसीजन क्यों ना हो, ऐसा इंसान वो डिसीजन ले लेता है और उनको फिर फॉलो भी करता है। आगे देखिए बात करते हैं कि जो मंगल होता है वो किन किन चीजों को डिनोट करता है। तो देखिए मंगल जो होता है हमारे देश को डिनोट करता है। किसी भी कुंडली में अगर जो मंगल है वो मंगल को हम सेनापति का दर्जा देते हैं, तो कहीं ना कहीं देश को मंगल रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो मिलिट्री फोर्स होती है, आर्मी होती है, वायुसेना होती है, नौसेना होती है, सबको कौन डिनोट करता है, मंगल डिनोट करता है। तो जब मंगल नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में स्ट्रांग है तो उनका आर्मी में बहुत अच्छा होल्ड है, नेवी में बहुत अच्छा होल्ड है और वो एक बहुत ही सशक्त नेता है जिनका पूरा का पूरा जीवन देश के लिए समर्पित हो चुका है। उसके बाद देखिए जो मंगल होता है इंसान को बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन भी प्रोवाइड करता है, यानी कि ऐसा इंसान जो होता है बहुत ही ज्यादा नियम और कानून के साथ में चलता है। ऐसा इंसान जो होता है बहुत ही तय समय पर काम करेगा, सुबह एक ही समय पर सो के उठेगा, एक ही समय पर रात में सोएगा। उसका जो रूटीन होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, जैसे अगर सुबह योगा करना है तो वो फिर बिना उसे ब्रेक के योगा करेगा। ऐसे इंसान के अंदर देखिए आलस बहुत कम होता है, तो जब आलस इंसान के अंदर कम होगा तो इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली काम करने की जो क्षमता है बहुत ही ज्यादा होगी। और ऐसा इंसान जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। तो हम ये जानते हैं कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और खुद भी उनका बहुत ही अच्छे तरीके से वो पालन करते हैं। इवन अगर देश के हित में उनसे कोई उनसे जूनियर कोई बंदा भी कुछ काम करने को कहता है, जूनियर कोई अधिकारी भी कुछ काम करने को कहता है, तो अगर वो देश के हित में होगा तो उसको भी वो जरूर करते हैं क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में आते हैं। अब उनके आसपास जो सिक्योरिटी फोर्सेस चलती हैं, अब नरेंद्र मोदी जी के आसपास जो सिक्योरिटी फोर्सेस चलती हैं
वो उनके अधिकार क्षेत्र में उनसे काफी छोटे हैं, लेकिन उन्होंने उनका जो नियम एंड कानून है सिक्योरिटी ऑफिसर का वो फॉलो करते हैं और कभी भी नियम का नियम और कानून का उल्लंघन वो नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए आगे हम बढ़ते हैं इनकी कुंडली में, तो देखिए इनकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो भी लग्न के अंदर बैठे हुए हैं। तो देखिए जब मंगल और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं तो मंगल चंद्रमा को काफी ज्यादा मजबूत बना देता है, तो इंसान का जो माइंड होता है काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। ऐसा बंदा जो होता है बहुत ही ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके अंदर काफी ज्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। अब मंगल इतने स्ट्रांग हैं, उन्होंने चंद्रमा के साथ बैठ गए तो चंद्रमा भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो कठोर से कठोर डिसीजन ऐसा इंसान ले लेता है और उसके बाद में उस डिसीजन को वो फॉलो करता है। इसके बाद में देखिए बात करें तो देखिए यहाँ पे जो शनिदेव है इनके वो आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। अब देखिए जो शनिदेव होते हैं वो आम आदमी के ग्रह माने जाते हैं, जितने भी नॉर्मल आम आदमी होते हैं उनको शनिदेव डिनोट करते हैं, और कहीं ना कहीं जो शनिदेव हैं इनकी कुंडली में कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का जो कर्म है वो लोगों की सेवा करना होता है और वो लोगों की बहुत अच्छे तरीके के साथ में सेवा भी करते हैं। अब देखिए जो इनके जन्म नक्षत्र की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म नक्षत्र है वो अनुराधा नक्षत्र है, और अनुराधा नक्षत्र जो होता है वो उसके रूलर शनिदेव होते हैं, तो कहीं ना कहीं शनिदेव का बहुत ही गहरा प्रभाव है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। वो किसी भी इंसान का दुख दर्द नहीं देख सकते, किसी भी इंसान को पीड़ा के अंदर नहीं दे सकते, क्योंकि शनिदेव का गुण होता है कि जिस इंसान का जन्म शनिदेव के नक्षत्र में होता है वो बहुत ही ज्यादा लोगों के प्रति जागरूक हो जाता है, लोगों के साथ उसे विशेष प्यार होता है और वो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। तो जो ऐसे इंसान होते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे ही एक इंसान है, और शनिदेव का उन्हें बहुत ही ज्यादा साथ मिल रहा है। अब देखिए शनिदेव की यहाँ पर जो दसवीं दृष्टि है वो इनके सेवेंथ हाउस पे पड़ रही है। अब जो इनका जो सेवेंथ हाउस होता है वो वाइफ का हाउस होता है, तो देखिए जो शनिदेव की दृष्टि होती है उसमें विष होता है, यानी कि वो जिस हाउस में पड़ती है उस हाउस से रिलेटेड थोड़ी सी पीड़ा हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ शनिदेव की जो दृष्टि है वो इनके सेवेंथ हाउस पे पड़ रही है, यानी कि इनकी शादी के तुरंत बाद ही ये वाइफ से सेपरेट हो गए थे और अभी भी अकेले ही रहते हैं, तो वाइफ का जो रिलेशनशिप का घर होता है वो इनका कमजोर हो गया और उन्होंने इसे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से देश के काम में लगा दिया। अब देखिए जो शनिदेव की सातवीं दृष्टि है वो इनके घर के ऊपर पड़ रही है, यानी कि जो इनका फोर्थ हाउस है, तो फोर्थ हाउस जो घर का हाउस होता है वहां पर इनकी सेवेंथ दृष्टि पड़ रही है, तो घर से भी ये सेपरेट हो गए थे, घर में भी ज्यादा समय तक नहीं रहे थे, छोटे जब ही छोटे तब इन्होंने घर को भी छोड़ दिया था। आगे देखिए बात करते हैं कि इनका जो जन्म का अंक है वो 17 होता है, और 17 को अगर जोड़ेंगे 1 और 7 को तो 8 बनता है, और 8 भी शनिदेव का ही नंबर होता है, यानी शनिदेव का यहाँ भी इनको साथ मिल रहा है। शनिदेव इंसान को बहुत ही ज्यादा कर्मठ बनाते हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार बनाते हैं, सच्चा बनाते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये देश को बहुत ही अच्छी दिशा में आगे लेके जा रहे हैं। अब देखिए जो गुरुदेव बृहस्पति है उनकी यहाँ पर फोर्थ हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब देखिए गुरुदेव बृहस्पति फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, फोर्थ हाउस जो होता है वो इंसान का हार्ट का स्थान होता है, यानी कि दिल का स्थान होता है। तो देखिए नरेंद्र मोदी जी जब फोर्थ हाउस में यहाँ पर जुपिटर बैठे हैं, तो जिस इंसान के फोर्थ हाउस में जुपिटर होते हैं ऐसा इंसान दिल का बहुत ही ज्यादा साफ होता है, दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा इंसान दिल का बहुत ही ज्यादा मीठा होता है, और वो जो काम करता है वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए करता है, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी ऐसा इंसान कोई भी काम नहीं करता। तो जुपिटर की पोजिशन भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। अब जुपिटर यहाँ से अपनी पांचवी दृष्टि से इनके कष्ट स्थान को देख रहे हैं, तो इनकी जिंदगी में कष्ट बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जुपिटर की जो दृष्टि होती है वो अमृत की दृष्टि मानी जाती है। अब जुपिटर की पांचवी दृष्टि पड़ रही है इनके कष्ट स्थान में, तो जिंदगी में कष्ट कम हो गए, और जुपिटर की जो नौवीं दृष्टि है वो इनके 12वें स्थान में पड़ रही है, तो 12वां स्थान जो होता है वो व्यय का स्थान होता है। अब व्यय का स्थान होने से जो जुपिटर ने उसे देख लिया तो खर्चे भी इनके कम हो गए हैं, व्यक्तिगत खर्चा इनका कुछ नहीं है क्योंकि शादी बच्चे हैं नहीं, इनकी शादी जो है वो ज्यादा इस समय तक साथ में नहीं चली, तो इनके खर्चे भी पर्सनल खर्चे बहुत ज्यादा कम हैं। जुपिटर कर्म क्षेत्र को भी देख रहे हैं, तो ऐसा इंसान जो होता है बहुत ही ज्यादा अच्छे कर्म करता है, और 12th हाउस में जुपिटर देख रहे हैं, तो ऐसा इंसान जो होता है वो सत्कर्म में पैसा खर्च करता है, अपना जो पैसा होता है उसे वो अच्छे कामों में खर्च करता है, जो थोड़ा बहुत खर्चा करता है बहुत अच्छे काम में करता है। तो कहीं ना कहीं बाकी सारे प्लैनेट भी इनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी कुंडली में बहुत ही ज्यादा अच्छी पोजिशन में बैठे हुए हैं। अब देखिए जुपिटर इनके फोर्थ हाउस में है और चंद्रमा इनके लग्न में बैठे हुए हैं,
तो जुपिटर फोर्थ में और चंद्रमा लग्न में दोनों केंद्र में हो चुके हैं, यानी कि ये गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। गज केसरी योग जो होता है वो चंद्रमा और गुरुदेव बृहस्पति के साथ में आने से बनता है, और जो गज केसरी योग जिनके अंदर होता है वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, उसका माइंड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और वो काम बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में करता है, प्योर हार्टेड भी होता है और मेंटली वो स्ट्रांग भी होता है, इसीलिए गज केसरी को यागराज योग भी हम कहते हैं। अब मंगल जो लग्न में बैठे हैं वो रुचक नामक महापुरुष का योग बना रहे हैं। अब महापुरुष का योग जो कि मंगल बना रहे हैं, उन्होंने इन्हें महापुरुष की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है, जिनकी पूरी की पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित हो चुकी है। जो फिफ्थ हाउस है वहां पर राहु देव बैठे हुए हैं, तो देखिए जो राहु देव होते हैं वो जहाँ पर बैठ जाते हैं वो एरिया थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो इनके कोई बच्चे नहीं है। फिफ्थ हाउस जो होता है वो बच्चों का हाउस होता है, तो फिफ्थ हाउस में राहु देव हैं तो इनके बच्चे नहीं हैं, और इनको बच्चों से रिलेटेड कभी भी सुख उतना देखने को नहीं मिला क्योंकि फिफ्थ हाउस में राहु बैठे हुए हैं। अब देखिए जो राहु जहाँ फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं वो एजुकेशन का घर भी होता है, तो शुरू शुरू में इनको एजुकेशन करने में भी दिक्कत आई थी और उसमें थोड़ा सा इन्हें इशू हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इनको सूर्य और मरकरी की दृष्टि भी पड़ रही है। सूर्य और जो बुध हैं वो इनके 11th हाउस में बैठकर फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने एजुकेशन आगे जाके कंप्लीट कर ली थी। अब देखिए इनका जो लाभ का भाव है वहां पर सूर्य केतु और बुध देव बैठे हुए हैं। अब देखिए जब सूर्य और बुध देव साथ में आते हैं तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण करते हैं, तो इनकी कुंडली में बुधादित्य योग भी बना हुआ है, और ऐसे इंसान का जो कम्युनिकेशन होता है वो इतना अच्छा हो जाता है कि वो जिस भी चीज के बारे में बोलेगा वो चीज में लोगों को मंत्र मुग्ध कर देता है। और बुध जो है वो छठे घर में बैठे हैं जो कि उनका उच्च का स्थान होता है, तो ऐसे इंसान की जो वाणी होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, और ऐसा इंसान वाणी के जरिए दुनिया के ऊपर अपना हुकूमत कर सकता है, दुनिया के ऊपर अपना परचम लहरा सकता है। तो कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग जो है वो भी इनको बहुत सपोर्ट करता है। आप नरेंद्र मोदी जी की कोई भी स्पीच सुन लीजिए, आपके मन में गौरव भर जाएगा, गर्व भर जाएगा, क्योंकि वो स्पीच बहुत अच्छी देते हैं। किस लिए अच्छी देते हैं? बुध का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है कुंडली में, इसकी वजह से देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सूर्य बुध के साथ में केतु ग्रह भी बैठे हुए हैं, तो देखिए जब सूर्य और केतु साथ में आ जाते हैं, तो जब सूर्य केतु साथ में आते हैं तो ऐसा इंसान थोड़ा सा एडमेंट हो जाता है, यानी कि जो काम उसने एक बार ठान लिया फिर वो काम वो करके ही रहेगा, उसे दुनिया की कोई भी ताकत उस काम से हिला नहीं सकती, और निर्णय बड़े पक्के होते हैं ऐसे इंसान के जिनका सूर्य केतु साथ में होता है। तो देखिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के विश्लेषण किया है यहाँ पर, और अब देखिए हम बात करते हैं कि इस समय इनकी जो दशा चल रही है कौन कौन सी दशाएं इनकी जीवन में कब कब रही। तो देखिए सूर्य की दशा 2005 से लेकर 2011 तक रही, जिसमें ये लोकल लोग गुजरात पॉलिटिक्स से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आए, इंडिया पॉलिटिक्स के अंदर इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया, और 2011 से लेकर 2021 तक इनकी चंद्रमा की महादशा चली। अब चंद्रमा जो है वो मंगल के साथ बैठा हुआ है, यानी कि चंद्रमा मंगल के साथ में काफी स्ट्रांग हो चुकी। तो देखिए 2011 से इनकी चंद्रमा की दशा शुरू हुई और चंद्रमा जो है वो मंगल के साथ में बैठे हुए हैं, तो देखिए चंद्रमा मंगल के साथ बैठकर काफी मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं, इसलिए जब इनकी चंद्रमा की दशा थी तब ये 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि मंगल का बहुत सपोर्ट मिला इन्हें, और 2019 में जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तब भी इनकी मंगल की दशा ही चल रही थी। अभी अगर हम इनकी वर्तमान में जो प्रेजेंट में जो महादशा है उसकी बात करें, तो अभी इनकी मंगल की दशा चल रही है, यानी कि इनका गोल्डन पीरियड इस समय चल रहा है, क्योंकि मंगल जो है बहुत ही ज्यादा कुंडली में स्ट्रांग है, मंगल का बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, और मंगल यहाँ पर रोचक नाम का महापुरुष का योग भी बना रहे हैं, और मंगल की दशा में ही इनका 2024 का इलेक्शन भी होगा, और ये बात बिल्कुल तय है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी ही भारत के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि इनका चार्ट बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, और उस समय इनकी शनि की अंतरदशा चल रही होगी, और शनि के नक्षत्र में ये पैदा हुए हैं, शनिदेव के लिए ये काम कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे चांसेस हैं कि ये भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे 2024 में। इनके ग्रह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और 2028 तक जो इनका करियर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, और ये एक देश में तो इन्होंने अपनी बहुत अच्छी छवि बनाई है, विश्व में भी ये काम करके भारत का नाम ऊंचा करेंगे, अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे, और जैसे प्रधानमंत्री के रूप में एक ये आइडियल सेटअप करेंगे कि कैसा एक आदर्श प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी जी जरूर आगे जाके सेट करेंगे, क्योंकि इनकी कुंडली बहुत ही ज्यादा अच्छी है और 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बहुत ही अच्छे योग बना रही है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा, जिसमें हमने नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में डिस्कस किया है।
अगर आप भी नरेंद्र मोदी जी के फैन हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नरेंद्र मोदी जी को आदर्श मानते हैं तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी हिम्मत मिले। और इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि ये जो अच्छा वीडियो है ये बाकी लोगों तक पहुंच सके और वो भी जान सके कि नरेंद्र मोदी जी का जो कुशल नेतृत्व है वो आखिर क्यों होता है और आगे उनका कैसा रहने वाला है, देश के लिए कैसा रहेगा। तो आपको आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।